कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज सुमन एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फोर्थ चैप्टर ऑफ एट्थ क्लास। सो दिस इज एट्थ क्लास टॉपिक। चैप्टर नेम इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गिव द इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। मेटल्स क्या होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, और वही नॉन मेटल्स क्या होते हैं और क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो इससे पहले कि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना शुरू करें, पहले हमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, उनके बिना हम इस चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो हमारी यहाँ पे होगी वो है मैटर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में। क्या होता है मैटर? कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और इसमें मास होता है, वेट होता है, उसको हम बोलते हैं मैटर। तो मैटर को डिफाइन कैसे करोगे? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड पजल्स मास। तो स्पेस और मास जिसके पास होता है वही चीज़ हमारी मैटर हो जाती है। वो चीज़ एग्जाम्पल क्या दोगे? हमारा स्कूल बैग एग्जाम्पल हो सकता है, हमारी बुक्स एग्जाम्पल हो सकती हैं, हमारा लंच बॉक्स यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है, हमारा मोबाइल फोन यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो मैटर कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास प्रेजेंट है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और जिसमें मास होता है, उसको हम बोलते हैं मैटर। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे मैटर को डिवाइड करते हैं तो मैटर को जो है बेटा दो फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। मैटर को टू फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली जो इसकी फॉर्म है जो वो है प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस जो बिल्कुल प्योर होते हैं, जिनको हम फर्दर स्प्लिट या तोड़ हम नहीं सकते। और जो सब दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है मिक्सचर्स का क्लासिफिकेशन, मिक्सचर। तो मैटर को दो फॉर्म में डिवाइड कर दिया यहाँ पे, एक तो प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा मिक्सचर। ठीक है, अब ये जो हमारा प्योर सब्सटेंसेस है इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से हैं वो दो पार्ट? प्योर सब्सटेंसेस को डिवाइड किया गया है एलिमेंट्स में और दूसरा है कंपाउंड्स में। ठीक है, तो प्योर एलिमेंट्स को भी प्योर सब्सटेंसेस को भी दो फॉर्म में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स वो मटीरियल्स होते हैं या वो मिनरल्स होते हैं जिनको हम और ज़्यादा स्प्लिट नहीं कर सकते, जो फर्दर स्प्लिट नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हाइड्रोजन, एच का मतलब क्या होता है? एच सिंबल है हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है हाइड्रोजन का, इसे आप और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, तो वो होगा एलिमेंट्स। कंपाउंड्स, कंपाउंड जो होते हैं ये एलिमेंट से मिलके बनते हैं और आप इनको स्प्लिट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिखते हैं एग्जांपल H2O का, H2O क्या होता है? H2O सिंबल होता है वाटर का। तो अगर इस वाटर के कंपाउंड को आप स्प्लिट करना चाहो तो स्प्लिट भी कर सकते हो। यहाँ पे हाइड्रोजन अलग हो सकते हैं और ऑक्सीजन भी अलग हो सकते हैं, तो वो होते हैं कंपाउंड। तो एलिमेंट्स वो मिनरल्स हैं जिन्हें हम स्प्लिट या ब्रेक या डिवाइड नहीं कर सकते, और कंपाउंड्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से बता देती हूँ मैं आपको, ये मैटर क्या होता है? मैटर एक वो चीज़ होती है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जो मास पजेस करती है। यहाँ पे एग्जांपल आप कोई भी दे सकते हो, फॉर एग्जांपल योर स्कूल बैग, योर लंच बॉक्स, योर ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, फोन एक्सेट्रा। देन मैटर को टू फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस आर अगेन इज ऑफ टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और यहाँ पे होते हैं मिक्सचर्स। एलिमेंट्स को आप स्प्लिट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन कंपाउंड्स को आप इजीली डिवाइड कर सकते हो। तो ये था क्लासिफिकेशन हमारा मैटर का। अब हम आगे पढ़ते हैं, अब हम जानेंगे एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स के बारे में मैंने अभी बताया कि इन्हें आप और ज़्यादा फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते। तो एलिमेंट्स को यहाँ पे थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एलिमेंट्स को यहाँ पे थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी यहाँ पे होती है मेटल्स की, मेटल्स। दूसरी कैटेगरी यहाँ पे किसकी होगी? नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स होते हैं। और तीसरी कैटेगरी यहाँ पे होगी मेटालॉइड्स की, मेटालॉइड्स का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी हैं जिसमें हमने एलिमेंट्स को डिवाइड किया है। मेटल्स का एग्जांपल क्या दोगे?
यहाँ पे मेटल का एग्जाम्पल है, आप गोल्ड का एग्जाम्पल दे सकते हो, सिल्वर का एग्जाम्पल दे सकते हो, आयरन का एग्जाम्पल दे सकते हो, कॉपर का एग्जाम्पल दे सकते हो। नॉन मेटल्स में किसका एग्जाम्पल दे सकते हो? फॉर एग्जाम्पल सल्फर आप यहाँ पे ले सकते हो, सल्फर, फॉस्फोरस, दीज ऑल आर द नॉन मेटल्स। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो मिनरल्स हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज आती हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आप दे सकते हो आर्सेनिक का, आर्सेनिक। क्लियर स्टूडेंट्स? सो मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं और शाइनी होते हैं, यानी कि वो चमकते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, दैट इज वाई दे आर शाइनी इन नेचर। एग्जाम्पल इज गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स, वो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं और अपीरियंस में भी डल होते हैं। एग्जाम्पल आपका सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स आर दोज मिनरल्स विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ। एग्जाम्पल यू कैन राइट हियर इज आर्सेनिक। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन एक मैटर को लेके। मैटर को सबसे पहले हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो था प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा था मिक्सचर। और इसके बाद हमने प्योर सब्सटेंसेस को भी फर्दर डिवाइड किया एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स को आप स्प्लिट नहीं कर सकते, लेकिन कंपाउंड्स को आप इजीली स्प्लिट कर सकते हो। और फिर हमने यहाँ पे लिखा एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, यानी कि एलिमेंट्स को और कौन कौन से थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे मेटल्स जो हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, नॉन मेटल्स जो डल होते हैं और इतने हार्ड भी नहीं होते, और मेटलॉइड्स जहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती हैं। तो ये था सारा क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स को लेके। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले पढ़ना है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हम जानेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, अब सबसे पहले, इससे पहले कि आप इस टॉपिक को पढ़ो, आपको ये जानना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है उनकी बाहर की अपीरियंस, यानी कि बिना उनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आए आप उनकी अपीरियंस को कैसे चेंज कर सकते हो। जो भी एलिमेंट्स या कंपोजिशन या एटम्स, मॉलिक्यूल्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, केमिकल्स, उनमें चेंज किए बिना उनकी अपीरियंस को ओनली फ्रॉम आउटसाइड उसको शो करना, चेंज करना, वो माना जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकली यानी कि बाहर से। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की? सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे यहाँ पे फिजिकल स्टेट, यानी कि जो मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स हैं, वो एक रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में ऑकर होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, या फिर वो गैशियस फॉर्म में होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं? दे आर जनरली सॉलिड एंड रूम टेम्परेचर। वो जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल वही आपका सल्फर, फॉस्फोरस, इनका एग्जाम्पल दे सकते हो। ऑक्सीजन है, इट इज गैशियस एट रूम टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस क्या है? यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है ब्रोमाइन का। ब्रोमाइन भी नॉन मेटल ही है, लेकिन ये होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यानी कि मोस्ट जहाँ पे सारे के सारे नॉन मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो वही एक्सेप्शनल केस क्या है? एक्सेप्शनल केस है ब्रोमाइन का, क्योंकि ब्रोमाइन होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि नेम द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो इसका आंसर होगा ब्रोमाइन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो नॉन मेटल्स आर सॉलिड, नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, दे कैन बी गैशियस फॉर्म ऑल्सो। गैशियस फॉर्म में एग्जाम्पल आप दे सकते हो ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, एक्सेट्रा। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है लस्टर। अब लस्टर का मतलब क्या होता है? लस्टर का मतलब होता है शाइनी अपीरियंस, यानी कि वो कितना चमकता है, कितनी उसमें शाइननेस है, तो उसको हम बोलते हैं लस्टर। अगर हम यहाँ पे बात करें मेटल्स की, तो मेटल जो है वो ज़्यादा शाइन करते हैं एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। सीधी सी बात है, बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आपने देखा होगा वो बहुत चमकते हैं धूप में अगर रख दो, तो दे आर वेरी शाइनी एट रूम एट इन द सनलाइट। ओके, तो शाइनी क्यों होते हैं? बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट, जो भी लाइट उनके ऊपर गिरती है उसको वो रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा शाइनी होते हैं।
अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो वो शाइनी नहीं होते अपीयरेंस में, बल्कि वो डल माने जाते हैं, यानी कि वो डल होते हैं, उनमें इतनी चमक नहीं होती। लेकिन जिस तरीके से फिजिकल स्टेट में एक्सेप्शनल केस था, वैसे ही यहाँ पे भी एक्सेप्शनल केस है। क्या एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे? यहाँ पे एक्सेप्शनल केस आपका माना जाएगा डायमंड। डायमंड का एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हो, या फिर ग्रेफाइट का एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हो। ग्रेफाइट, ठीक है। मेटल्स जहाँ पे सारे के सारे शाइनी होते हैं, नॉन मेटल्स वहीं पे डल होते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल केस क्या होगा यहाँ पे? डायमंड और ग्रेफाइट डल होने की बजाय वो शाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल केस क्या होगा? डायमंड और ग्रेफाइट का। फिजिकल स्टेट में एक्सेप्शनल केस क्या बताया था? ब्रोमाइन, जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो वही यहीं पे अगर हम लस्टर की बात करें तो नॉन मेटल्स में से डायमंड एंड ग्रेफाइट आर दे आर शाइनी इन सनलाइट और एनी आर्टिफिशियल लाइट, क्लियर। तो नॉन मेटल्स आर डल एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट, क्लियर स्टूडेंट्स। सो दीज टू प्रॉपर्टीज वी हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, यानी कि कितने सख्त होते हैं वो, कितनी उसमें मजबूती होती है। तो सीधी बात है, अगर हम यहाँ पे बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स ज़्यादा हार्ड होते हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथ उनमें होती है बजाय नॉन मेटल्स के। नॉन मेटल्स इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस किसका है? डायमंड का यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। डायमंड भी एक नॉन मेटल है, लेकिन ये सॉफ्ट होने की बजाय ये हार्ड होता है, इट इज वेरी हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्सेप्शनल केस क्या होगा? डायमंड का। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा हैवी है, जितनी ज़्यादा डेंसिटी उसकी होती है उतनी ही ज़्यादा वो हैवी होते हैं। तो यहाँ पे मेटल्स आर मच मोर हैवियर देन नॉन मेटल्स, यानी कि मेटल जो होते हैं वो उनमें ज़्यादा डेंसिटी होती है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स, क्लियर स्टूडेंट। डेंसिटी का अगर फॉर्मूला लिखने को आए तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा होगा आपने पहले, मास बाई वॉल्यूम, क्लियर। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितनी ज़्यादा मास या जितना ज़्यादा वेट होगा वो उतनी ज़्यादा हैवी होगी। सो हियर मेटल्स हैव मोर डेंसिटी एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। एंड हमारी लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे है मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अगर हम मेलिएबिलिटी की बात करते हैं और डक्टिलिटी की बात करते हैं, तो ये दोनों ही प्रॉपर्टीज मेटल्स में होती हैं, नॉन मेटल्स में नहीं होती हैं, ठीक है। अब मेलिएबिलिटी का मतलब क्या है? अगर आप किसी हैमर से या किसी हथौड़े से किसी मेटल को पीटते हो या फिर उस पर हथौड़े से आप करते हो, तो उसको आप एक प्लेन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेलिएबिलिटी, यानी कि मेलिएबिलिटी में किसी भी हैमर से अगर आप मेटल पे बीट करते हो, मारते हो, तो उसको आप एक थिक शीट में कन्वर्ट कर सकते हो बिना उसे तोड़े। तो ये प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी की। और यहाँ पे एग्जाम्पल आप दे सकते हो गोल्ड एंड सिल्वर, यानी कि मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी मेटल्स में होती है, नॉन मेटल्स में नहीं होती है। अगर आप नॉन मेटल्स को हथौड़े से मारते हो तो वो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो टूट जाता है, उसको बोलते हैं ब्रिटल। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? मेटल्स को बहुत ही पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट करना, बहुत ही थिन वायर्स होते हैं उनमें कन्वर्ट करना, वो प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी की। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दे सकते हो? कॉपर इज अ मेटल एंड एज यू ऑल नो ऑल अवर इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। क्यों कॉपर के वायर्स होते हैं? बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, कॉपर एक मेटल है और उसको आप थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, एज यू कैन सी इन योर इलेक्ट्रिक बोर्ड्स। जो वायर आप देखोगे वो कॉपर वायर्स होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में नहीं होती है, क्लियर स्टूडेंट्स। नॉन मेटल्स को ना तो आप शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, ना आप उनके बहुत ही थिन वायर्स बना सकते हो। तो ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की। एक बार फिर से हम शॉर्ट में इसका रिविजन कर लेते हैं। अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, तो फिजिकल स्टेट में मैंने क्या बताया था? अगर हम नॉन मेटल्स को लेते हैं तो वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। और यहाँ पे एक्सेप्शन केस किसका बताओगे? ब्रोमाइन का। ब्रोमाइन भी एक नॉन मेटल है विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्टर, शाइननेस की। मेटल जो होते हैं वो ज़्यादा शाइन करते हैं एज कम्पेयर टू नॉन मेटल। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल केस क्या होगा?
डायमंड का एग्जांपल ले सकती हो, ग्रेफाइट का एग्जांपल ले सकती हो, है तो ये नॉन मेटल लेकिन डल होने की बजाय वो शाइन करते हैं। नेक्स्ट है हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। मेटल्स ज्यादा हार्ड होते हैं, ज्यादा स्ट्रेंथ उनमें होती है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल, लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शनल केस क्या होंगे, डायमंड का एग्जाम्पल दे सकते हो जो कि हार्ड भी होता है और उसमें स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। नेक्स्ट है डेंसिटी, यानी कि मास बाई वॉल्यूम। सो मेटल्स हैव जनरली हाई डेंसिटी एंड दे आर मोर हैवी एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। देन मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी इन विच अ मेटल कैन बी कन्वर्टेड इन टू अ थिन शीट व्हेन बीटन विद अ हैमर, एंड डक्टिलिटी मीन्स मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इन टू थिन वायर्स। सो मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी ये दोनों ही प्रॉपर्टीज मेटल्स में होती हैं। नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो दे आर ब्रिटल इन नेचर। क्या हम देखेंगे यहाँ पे, वो होते हैं ब्रिटल। ब्रिटल होते हैं मीन्स व्हेन यू विल बीट एनी नॉन मेटल विद अ हैमर दे विल ब्रेक इनटू पीसेस, दे विल नाइदर कन्वर्ट इनटू शीट्स नॉर दे विल कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इसमें कोई भी डाउट हो, अगर कोई टॉपिक समझ में ना आया हो कि एलिमेंट के क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं, या फिर किसी फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको डाउट हो, तो आप लोग उसे पूछ सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। So have a nice day to all students. Thank you so much.